हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है अविघ्ना फूड बुक में। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है राजमा मसाला रेसिपी। ये घर के सामान से आसानी से बन जाएगी, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उबले हुए राजमा हैं जिन्हें मैंने 8 से 10 घंटे भिगो दिया था और नमक डालकर उबाल लिया है। इसके पानी को मैंने फेंका नहीं है, एक तरफ हटा के रख दिया है। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। 8 से 10 कली कटी हुई लहसुन की डालेंगे, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ इसमें हम 2 कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को गुलाबी होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। जब प्याज अच्छी तरह से गुलाबी हो जाएगा तब इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे। मैंने 4 कटे हुए टमाटर का यूज़ किया है। टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर को गलने तक पकाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार डाल के इनको साथ में भून लेंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। टमाटर को हमें अच्छी तरह से गलने तक पकाना है। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तब हम इसमें उबले हुए राजमा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम चला देंगे। राजमा को उबालते समय जो पानी बच गया था वो मैंने हटा के अलग रख दिया था, अब उस पानी को ऐड करेंगे। राजमा में पानी आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिला सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा तरी वाला खाना है तो आप उसमें ज़्यादा पानी मिलाइए, कम तरी का खाना है तो आप उसमें कम पानी मिलाइए, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक मैंने उबालते हुए ही डाल दिया था, इसलिए अब मैं नमक का यूज़ नहीं करूँगी। अब 10 मिनट तक हम अच्छी तरह से इसको खौलाएंगे, जब तक ये अच्छी तरह से बॉईल ना हो जाए। देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। अब गैस को हम देंगे और इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको चला देंगे जिससे मसाला सभी में ऐड हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गैस को ऑफ करके अब हम गरम गरम राजमा को चावल के साथ सर्व करेंगे। यदि आपको ये राजमा की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्ना फूड बुक पर शेयर करें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज का नाम भी अविघ्ना फूड बुक है। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें अविघ्ना फूड बुक। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय।